अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ अहम तरीन अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। मिकी आर्थर की जनाब पाकिस्तान आमद सिर्फ 2 दिन के लिए, और इसके अलावा मोहम्मद आमिर को हर हाल में टीम में शामिल करो। मिकी आर्थर ने बड़ी डिमांड कर दी है। मोहम्मद आमिर आपका वो एक ऐसा इकलौता बॉलर है जो विराट कोहली को अकेले दम के ऊपर संभालने की सलाहियत रखता है। इवन आपके शाहीन हो गए, नसीम हो गए, हारिस हो गए, इनसे विराट कोहली 2 साल के अंदर नहीं संभले, तो यानी कि मोहम्मद आमिर को वापस लाना पड़ेगा। और इंडिया में खेलने का तजुर्बा भी है। जनाब ये स्टेटमेंट है मिकी आर्थर साहब की, बहुत ही ज्यादा फेवरेट है नजम सेठी और मिकी आर्थर के मोहम्मद आमिर, ये सबको पता है। बहरहाल जी, मिकी आर्थर साहब आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और 2 दिन के अंदर मतलब वो सिर्फ आएंगे, उसके बाद वो फिर चले जाएंगे डर्बीशायर को। उन्होंने फिर जो है रिप्रेजेंट करना है कोचिंग स्टाफ के अंदर, तो वो मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो वो साइन करेंगे जो पीसीबी के साथ उनकी डील है, लेकिन वो एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का दौरा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे। यानी कि डायरेक्टर का जो अहदा वो संभाल लेंगे। बरल यहाँ पे वो सिर्फ डील साइन करने के लिए आ रहे हैं, 2 दिन 2-3 दिन गुजारेंगे यानी कि उसके बाद वो फिर चले जाएंगे डर्बी शायर के लिए, लेकिन वो आ रहे हैं। उन्होंने यही उन्होंने उनकी ये डिमांड है मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप के लिए यानी कि रेडी किया जाए। मोहम्मद आमिर इंडिया के अंदर पाकिस्तान को मैच जिता सकता है, लेकिन आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान की बॉलिंग तो काफी तगड़ी है पहले से, लेकिन शायद वो समझता है कि विराट कोहली इनसे 2021 के अंदर भी नहीं संभला, 2022 के एशिया कप के अंदर भी नहीं संभला, 2021 2023 का जो मतलब 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर भी विराट कोहली इनसे नहीं संभला। तो ये जनाब है कि विराट कोहली हर मरतबा पाकिस्तान के अगेंस्ट रन कर देता है, लेकिन मोहम्मद आमिर जब होते थे तो उसको फंसाते थे। अगर आमिर शाहीन जब एक मतलब एंड से बॉल करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा विराट कोहली के लिए। तो ये जनाब है विराट कोहली, छोड़े अदर टीम्स भी हैं उनके लिए प्लान करने पड़ते हैं। बरत जनाब उनकी भी यही डिमांड है कि मोहम्मद आमिर को रेडी किया जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो ज्यादा दे तो बेहतर रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब।